देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। धान की रिकॉर्ड तोड़ खरीद में तेजी से आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़। किसानों के खातों में पहुंचे 11,158 करोड़ रुपए। अब योजनाओं के लाभ के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटेंगे किसान, गांव में ही मिलेगी हर योजना की पूरी जानकारी। ऑनलाइन माध्यम से ही कृषि यंत्रों का लाभ ले सकेंगे किसान, सस्ते कृषि यंत्रों को आसानी से खरीद पाएंगे किसान। इस साल धान खरीदी के मामले में छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में किसानों से लगातार धान की खरीदी की जा रही है। अभी तक लगभग 55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी प्रदेश के किसानों से ही की जा चुकी है। इसके एवज में राज्य के 13,98,000 किसानों को 11,158 करोड़ रुपए का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत भी किया गया है। जबकि इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि देश में बीते 1 नवंबर से धान की खरीदी चालू है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव भी जारी है। अब तक 40,11,000 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके एवज में मिलर्स द्वारा 31,71,000 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि इस साल राज्य में 25.92 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2.26 लाख नए किसान शामिल हैं। वहीं राज्य में धान खरीद के लिए 2594 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बाकी राज्य सरकारों की ही तरह असम सरकार द्वारा भी लगातार किसानों की सुविधाओं के लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि अब किसानों को नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग को पंचायत और ग्रामीण विकास विभागों के सहयोग से गाँव में ही सभाओं का आयोजन करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम शर्मा ने खानापारा में 7वें असम इंटरनेशनल एग्री हॉर्टी शो के उद्घाटन के दौरान इसको लेकर निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि संघीय और राज्य सरकारों ने कृषि और संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं। उनके मुताबिक सरकार कृषि बागवानी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, साथ ही इन योजनाओं पर किसानों को भारी सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बावजूद भी विकास के कई कार्यक्रम उन किसानों तक नहीं पहुंच पाते जिनके लिए उन्हें डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि ग्राम स्तरीय संवाद कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि 3 दिवसीय शो कृषि बागवानी क्षेत्र में राज्य की क्षमता को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि सार्थक सहयोग के लिए और ज्यादा रास्ते खोलेगा और असम के कृषि बागवानी उत्पादों की निर्यात क्षमता को भी बढ़ाएगा। हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में किसानों की सुविधा व लाभ के लिए कृषि अभियांत्रिकी उपमिशन योजना चलाई जा रही है। और इतना ही नहीं, सरकार द्वारा योजना के तहत मशीनरी खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मशीनरी जैसे कि ट्रैक्टर, पावर वीडर व टिलर, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर इत्यादि का प्रयोग किसानों द्वारा किया जाता है, जिसके लिए उन्हें कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए किसानों को कृषि विभाग की garimahindu.nic.in पर क्लिक करना होगा। सुविधा का लाभ लेने के लिए किसान संबंधित पहचान पत्र, भूमि संबंधित दस्तावेज और खरीदे जाने वाले उपकरण का पूरा ब्यौरा इनवॉइस समेत पोर्टल में आवेदन जमा कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि जहां पहले योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को ये तमाम दस्तावेज विभागीय कार्यालय में जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब किसान घर बैठे आसानी से ये काम करा सकेंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले किए गए ऑफलाइन आवेदन भी रद्द समझे जाएंगे। जो आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए गए हैं केवल उन्हें ही मान्यता मिलेगी। इससे अधिक जानकारी के लिए किसान विभागीय कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर समेत राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से भारतीय किसान संघ से जुड़े हजारों किसान सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। मगर खास बात यह रही कि इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था की और शांतिपूर्वक किसानों के साथ उनकी समस्याओं और समाधान के ऊपर चर्चा की गई। असम में देश के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित धेमाजी जिले के मेधी पामुआ और 500 से ज्यादा गांवों में पानी बेशक कम हो गया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे इन इलाकों में लोगों का संकट दूर नहीं हुआ है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में जमा रेत अब धान की खेती के लिए गंभीर खतरा बन गया है और ये खतरा खासतौर पर इन 500 से ज्यादा गाँवों के किसानों की आर्थिक स्थिति के लिए मुसीबत बनकर खड़ा हुआ है। हरियाणा द्वारा कृषि और बागवानी क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। दोनों विभागों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड और फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम में अपनी अपनी उपलब्धियों के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा और बागवानी विभाग के महानिदेशक अर्जुन सैनी ने सोमवार को नई दिल्ली में ये पुरस्कार प्राप्त किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने किसानों के हालातों में सुधार के साथ अपनी कई और मांगों को लेकर दिल्ली में किसान गर्जना रैली की। किसान संघ ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो राज्य और केंद्र सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रैली में देश भर से किसानों ने हिस्सा लिया। भारतीय किसान संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मंच से कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकारों ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो सरकार पर संकट के बादल गहरा होना निश्चित है। बिहार के बांका जिले के किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार किसानों को दलहन की बुवाई के लिए सस्ते दामों पर बीज उपलब्ध करा रही है। इसमें किसानों को 90% तक अनुदान भी दिया जा रहा है। सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिना ऑनलाइन आवेदन के किसानों को बीज उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। गाँव के वसुधा केंद्र पर जाकर किसान ऑनलाइन आवेदन आसानी से करा सकते हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।